तो बताओ ये सारे चीजें जो है पेट्रोलियम रिसोर्स से निकाले गए हुए चीजें हैं, जैसे कि ये पेट्रोलियम गैस है, ठीक है, ये पेट्रोल है, ये केरोसिन है, ये डीजल है, ये लुब्रिकेटिंग ऑयल है, ये पैराफिन वैक्स और ये बिटुमिन है। ये वो पेट्रोलियम गैस है जो घर में हम जो है सो हमारे सिलेंडर्स में जो गैस होती है ना, हमारे घरों में गैस के सिलेंडर में जो गैस होती है ना, वो ये पेट्रोलियम गैस होती है, ठीक है, जो घर में पकाने के लिए और इंडस्ट्रीज में भी, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में भी यूज होती है। ये तो पेट्रोल आपको मालूम ही है, मोटर में, गाड़ियों में, ठीक है, हमारे टू व्हीलर्स में और हमारे कारों में, सारे पेट्रोल की गाड़ियों में पेट्रोल यूज होता है, यहाँ तक कि हवाई जहाज में भी, एरोप्लेन में भी पेट्रोल यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा केरोसिन, केरोसिन यानी घासलेट, केरोसिन यानी गैस का तेल, यानी स्टोव में यूज होता है, स्टोव इसके स्टोव होते हैं, तेल के स्टोव, और तेल की चुमनिया होते हैं, लैंप्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि ये जेट एयरवेज में भी, जेट यानी ये अलग तरह का प्लेन होता है जो छोटा होता है, इस प्लेन में सिर्फ 6 से 7 लोग बैठ सकते हैं, ये लड़ाकू प्लेन होता है, इसमें भी केरोसिन यूज होता है। और डीजल तो आपको पता ही है, बड़े बड़े गाड़ियों में, फोर व्हीलर्स में, और यहाँ तक कि ट्रेन के इंजन में भी डीजल यूज होता है, और यहाँ तक कि जनरेटर्स में भी, बड़े बड़े बिल्डिंग्स के नीचे जो जनरेटर होते हैं ना, अगर 10 फ्लोर की बिल्डिंग से 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, अचानक करंट चले गया तो उसमें जो है जनरेटर यूज करके करंट लाते हैं, ठीक है, वो जनरेटर इस डीजल पे चलता है, ठीक है। ये लुब्रिकेटिंग ऑयल है, लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह पैराफिन वैक्स है, मोमबत्ती है, मोमबत्ती पैराफिन वैक्स की बनी हुई होती है, और बहुत से ऑइंटमेंट्स आज हम पैराफिन वैक्स के यूज करते हैं, और वैसलीन जो हम लगाते हैं सर्दी के मौसम में अक्सर, वो वैसलीन पैराफिन वैक्स की बनी हुई होती है। इसी तरह बिटुमिन, दिस आर पेंट्स एंड रोड सर्फेसिंग ऑइंटमेंट, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, ये जो सीएनजी है, ठीक है, सीएनजी, ये जो सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये आज के दौर में जो है व्हीकल्स में भी इस्तेमाल हो रही है, जैसे कि ऑटोज है, जैसे कि कार है, इसलिए क्योंकि इसके इसके इंजन से निकला हुआ धुआं पॉल्यूशन कम देता है, ज्यादा पॉल्यूशन नहीं देता, इसलिए ये आज के दौर में व्हीकल्स में भी इस्तेमाल हो रही है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। ये घरों में और फैक्ट्रीज में फ्लेम जलाने के लिए, आग जलाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज स्टार्टिंग मटीरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ए नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये जो नेचुरल गैस है सीएनजी, ये केमिकल्स बनाने के लिए भी और फर्टिलाइजर्स जो हमारे किसान खेत में डालते हैं, खेत में पानी, खेत में गैस छिड़कते हैं, खेत में केमिकल छिड़कते हैं, ये केमिकल बनाने के लिए भी, वो फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए भी जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी इस्तेमाल होती है। इंडिया में जिसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इन अवर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ठीक है, यहाँ पर इंडिया में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सीएनजी इस्तेमाल होती है, और अलग अलग कामों के लिए, घर में पकवान से लेकर बड़े बड़े फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े सामान बनाने के लिए, बड़े बड़े चीजों को प्रिपेयर करने के लिए, रेडी करने के लिए सीएनजी गैस बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। नाउ सब नेचुरल रिसोर्सेस आर लिमिटेड, थोड़े कुदरती चीजें जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, इस सारे इस ऐसे थोड़े से कुदरती चीजें वो है जो लिमिटेड है, यानी जमीन के अंदर इनकी क्वांटिटी कम होती जा रही है, ठीक है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स है और फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं, क्यों कम हो रहे हैं, क्योंकि झाड़ों को काटा जा रहा है, जंगलात आहिस्ता आहिस्ता जंगल कम होते जा रहे हैं, क्यों कम हो रहे हैं, क्योंकि झाड़ों को ज्यादा तो ज्यादा 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 से ज्यादा काटा जा रहा है, ठीक है, इससे क्या होता है, जंगल बिया वीरान हो रहे हैं, ठीक है। वी नो दैट द कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स, इट रिक्वायर्ड द डेड
ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ इयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दिस फ्यूल्स। कोल कोयला बनता किससे? लकड़ी से बनता है। लकड़ी से कोयला कब बनेगा? जब लकड़ी को जलाया जाएगा। लकड़ी को जला कब जला सकते हैं? जबकि वो झाड़ की लकड़ी है, वो झाड़ को काटा जाए। मतलब ये कि फॉरेस्ट को काटे जाने के बाद ही, फॉरेस्ट के झाड़ों को काटने के बाद ही हमें कोयला मिलता है, ठीक है। इसी तरह समंदर में फॉसिल फ्यूल्स यानी मरे हुए जानवरों के डेड बॉडी जो लाखों साल तक आहिस्ता आहिस्ता सड़ते गलते रहते। एक ऐसा नहीं है कि आज एक जानवर मर गया कल वो पेट्रोल बन जाएगा, नहीं। एक जानवर मरने के बाद उसकी बॉडी को सड़ के गल के पेट्रोल या डीजल या ऑयल बनने के लिए लाखों साल लग सकते हैं, लाखों साल, ठीक है। इस वजह से पेट्रोल की कमी महसूस हो रही है समंदर में भी और जमीन के अंदर में भी, और चूंकि कंटिन्यूसली झाड़ों को काटा जा रहा है तो एक वक्त आएगा कि झाड़ खत्म हो जाएंगे। जब जिस वक्त झाड़ खत्म हो जाएंगे उस वक्त इंडिया में, उस वक्त वर्ल्ड में, वर्ल्ड के अंदर हमारे अर्थ पे लाइफ सक्सेस होना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, और उसके अलावा हमें कोयला भी नहीं मिलेगा। ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व ऑफ दीज विल लास्ट ओनली फॉर ए फ्यू हंड्रेड ईयर्स। मोर एवर burning of these fuels is a major cause of air pollution. This is also linked to global warming. It is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary. This will result in better environment. और ये जो कोयला है और ये पेट्रोल और डीजल है, ठीक है, और केरोसिन ऑयल है, घासलेट गैस का तेल, ये सारे चीजें ऐसे हैं जिनके इस्तेमाल करने के बाद एयर पोल्यूशन ज्यादा होता है। मतलब ये कि अगर ये पेट्रोल गाड़ी में डालेंगे तो पेट्रोल का जो धुआं निकलेगा वो पोल्यूशन होगा, और अगर आप केरोसिन के जरिए आग लगाएंगे तो आग, केरोसिन के जरिए अगर कोई चीज जलाना है तो केरोसिन डाल के जलाएंगे तो आग में से धुआं निकलेगा, उससे एयर पोल्यूशन होगा। तो ये सारे चीजें इस्तेमाल के तो हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल की वजह से जो धुआं निकलता है वो एटमोसफेयर के लिए नुकसानदेह। तो कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम इस पोल्यूशन को रोक सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम हमारे गाड़ियों में पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, अगर हम हमारी गाड़ी को कम स्पीड पर चलाएंगे तो पेट्रोल कम इस्तेमाल होगा और धुआं भी कम निकलेगा। इससे यह होगा कि पेट्रोल की बचत भी होगी और एयर पोल्यूशन भी कम होगा, ठीक है। इसी तरह ट्रैफिक सिग्नल्स पर जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें चाहिए कि इंजन गाड़ी का ऑफ कर दे ताकि पेट्रोल की भी बचत हो और एयर पोल्यूशन की भी बचत हो। इसी तरह एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। जितने भी गाड़ियां हैं, टू व्हीलर हैं, फोर व्हीलर हैं, बड़े बड़े गाड़ियां हैं, उनके जो टायर्स होते हैं उसमें हवा की क्वांटिटी सही रखें, क्योंकि अगर हवा की क्वांटिटी सही है तो गाड़ी ज़्यादा स्पीड जाएगी, और हवा की वजह से ज़्यादा स्पीड जाएगी तो उसके वजह से क्या होगा, पेट्रोल कम इस्तेमाल होगा, ठीक है। हवा फुल रहेगी तो गाड़ी पे इंजन पे फोर्स, हवा के जरिए से भी इंजन को फोर्स मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, और उससे होगा क्या, पेट्रोल कम इस्तेमाल होगा। तो ये सारे चीजें हैं बच्चों जो प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे गाड़ियों को रेगुलर मेंटेन करते हुए, रेगुलरली ऑयलिंग कराते हुए, सर्विसिंग कराते हुए अगर हम गाड़ियों को चलाएंगे तो इससे होगा क्या, फ्यूल की बचत भी होगी, पेट्रोल हो या डीजल हो या केरोसिन हो या फिर सीएनजी हो, फ्यूल की बचत भी होगी और एयर पोल्यूशन भी कम होगा। तो ये सारे स्टेप्स हैं जिसे हम फॉलो करके ये नेचुरल रिसोर्स को सेव कर सकते हैं। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर पेट्रोलियम, ओके, ये था आपका चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। इस टॉपिक पे जितने भी 3 या 4 वीडियोस मैंने बनाए हैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बार बार इस वीडियोस को देखिए और इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है और इसे सेव करना हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और इसका बेटर यूटिलाइजेशन करना हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।